जनपद हापुड़ के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मौ दानिश कुरैशी ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों को भाजपा को ही वोट देना चाहिए। आइए सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद दानिश कुरैशी है। मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे में। सर, 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और मुस्लिम समाज किसको वोट करेगा, क्योंकि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम समाज के बेबाक अच्छी दमदार छवि के रूप में मुस्लिम समाज का चेहरा हो। देखिए, 2022 के चुनाव में फिर एक बार 350+ के साथ यानी के भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर हम एक बार 350+ के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट करेगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में सपा बसपा में मुसलमानों को गुमराह करके, मुसलमानों को उल्लू बनाकर वोट बैंक वोट हासिल की जाती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुसलमानों की सच्ची हितैषी है, इस बार मुस्लिम समाज का हम लोग विश्वास जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस बार मुस्लिम समाज हमें वोट करेगा। क्यों करेगा, इसके मैं कारण बता देता हूँ। देखिए, CNRC कानून लाकर देश के मुस्लिमों को अधिकार देने का कार्य किया। धारा 370 कश्मीर से हटाकर कश्मीर के मुसलमानों को अधिकार देने का कार्य किया। 3 तलाक बिल लाकर हमारी मुस्लिम माँ बहनों को श्री नरेंद्र मोदी जी ने अधिकार देने का कार्य किया। दूसरी बात, जितनी ये मकान की आवास की योजनाएं है, 70% मुस्लिम समाज को योजनाओं का लाभ मिलता है, चाहे फ्री का राशन हो, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर कार्य करते मुसलमानों को लाभ दिया जा रहा है। इसलिए मैं दावे की चोट पर कहता हूँ, मुस्लिम समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट नहीं करेगा, वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता, वो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। जो सच्चा मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। जय हिंद, जय भारत।